तो दोस्तों आज मैं आ गया हूँ कुछ नए स्पॉयलर्स के साथ। ये वीडियो में हम बात करने वाले हैं ड्रैगन बॉल सुपर के एपिसोड 103 और 104 के स्पॉयलर्स की, और साथ ही साथ एक इंटरेस्टिंग फैक्ट पर डिस्कस भी करने वाले हैं, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। देखो दोस्तों, इस वीडियो में आपको बहुत सारे स्पॉयलर्स मिलने वाले हैं, इसीलिए बोल रहा हूँ वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। अब बिना टाइम वेस्ट करे जाते हैं अपने मेन वीडियो की तरफ। इस बार दोस्तों ड्रैगन बॉल सुपर के एपिसोड 103 और 104 के स्पॉयलर साथ में आ गए हैं। हम आप लोगों को एपिसोड 103 का प्रीव्यू अलग से एक्सप्लेन करेंगे मंडे को, तो वीडियो को याद से देखना। तो अब बिना टाइम वेस्ट करे जाते हैं अपने मेन स्पॉयलर्स की तरफ। देखो दोस्तों, इस वीकली जंप रिव्यू में दो एपिसोड के टाइटल लिखे हैं, 103 का और 104 का। पहले हम 103 का पढ़ते हैं। इसमें लिखा है डोंट गो इजी गोहान, डिसीजिव बैटल विद यूनिवर्स 10 है। हमें टाइटल से ही पता चल रहा है दोस्तों यूनिवर्स 10 बहुत खतरे में है, क्योंकि लास्ट एपिसोड में हमने देखा कि उनका कैप्टन आउट हो चुका है और ये एपिसोड में गोहान का शायद मेजर रोल होगा। और दूसरी तरफ एपिसोड 104 का नाम है सुपर हाई स्पीड बैटल ब्रेक्स आउट, गोकू एंड हिट जॉइन बैटल। देखो दोस्तों, जब मैंने पढ़ा था ना, मेरा दिल खुश हो गया यार, गोकू और हिट एक साथ मिलकर फाइट करने वाले। देखो दोस्तों, ये एपिसोड तो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा, क्योंकि इसमें हमें यूनिवर्स 10 की फाइट्स देखने मिलेगी और कुछ ऐसा देखने मिलेगा जिससे गोहान को टफ डिसीजन चूज करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें यूनिवर्स 10 बहुत डर गए हैं, क्योंकि यूनिवर्स 2 ने अपना असली रंग दिखा दिया है। इधर हम लोग को ये तो पता है कि ये एपिसोड में ब्रियाने ट्रांसफॉर्म होने वाली है री ब्रियान में। अगर आपने वो वाले स्पॉयलर्स नहीं देखे हैं तो मैं आपको रेकमेंड करता हूँ पहले जाकर आप लोग वो देखें, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया हूँ। तो देखो दोस्तों, जैसा मैंने पहले बोला, यूनिवर्स 10 बहुत बुरी तरह से डर चुकी है यूनिवर्स 2 से, और उसका लीडर भी नॉकआउट हो चुका है। तो मेरा प्रिडिक्शन ये कहता है कि यूनिवर्स 10 एपिसोड 104 के एंड तक डिस्ट्रॉय हो जाएगी। ये मेरा प्रिडिक्शन है, इसका सच होने की कोई गारंटी नहीं है। अब आगे पढ़ते हैं। और दोस्तों, ये एपिसोड में गोहान यूनिवर्स 6 के बोटामा के साथ मिलकर फाइट करने वाला है यूनिवर्स 10 के फाइटर्स के खिलाफ। जैसे मैंने पहले बोला था, हिट और गोकू साथ में मिलकर फाइट करेंगे, और अब ये गोहान और बोटामा, दोस्तों सच में ये बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। और साथ ही साथ दोस्तों देखो, ये टूर्नामेंट ऑफ पावर है, यहाँ वीक सर्वाइव नहीं हो सकता। यही रीजन है कई और लोग जो मेन कैरेक्टर्स नहीं है वो टूर्नामेंट से आउट होते जा रहे हैं। और दूसरी तरफ हीट यूनिवर्स 11 के कई मेंबर्स के साथ फाइट करता होता है, लेकिन दोस्तों वो जिरेन से फाइट नहीं कर रहा होता है, ना ही टोपो से। वो यूनिवर्स 11 के कोई और मेंबर से फाइट करता होता है, लेकिन दोस्तों हीट बहुत बड़े डिसएडवांटेज में होता है, लेकिन बाद में उसकी हेल्प करने आता है हमारा हीरो गोकू। उसके बाद हीट गोकू के साथ मिलकर फाइट करता है यूनिवर्स 11 के मेंबर से। देखो दोस्तों, ये एपिसोड सच बोलूं ना, बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। अभी दोस्तों मेरे पास इतने ही स्पॉयलर्स थे आज के लिए। इसके बाद अभी हम बात करने वाले हैं एक इंटरेस्टिंग फैक्ट की। जैसे मैंने पहले बोला था, मैं आज आया हूं एक इंटरेस्टिंग फैक्ट के साथ। अभी तक तो दोस्तों अपने यूनिवर्स 6 के सारे मेंबर्स को नहीं देखा होगा, आपने सिर्फ देखा होगा अपने हीट को, फ्रॉस्ट को, मैगेटा को, बोटामा और काबा, और अपने दो नई फीमेल सियंस को भी, जो है केल और कॉलीफ्ला। और आपने इसको भी देखा होगा, ये पिक जैसा कैरेक्टर, इसका नाम है डॉक्टर रोटा। और अब मैं आपको जो बताने वाला हूँ वो बहुत शॉकिंग और अनएक्सपेक्टेड था। देखो दोस्तों, दो मेंबर्स जिसका अभी तक फेस नहीं बताया था, वो और कोई नहीं बल्कि नेमेकियंस है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, वो पिकलो जैसे यूनिवर्स 6 के नेमेकियंस है। उनका फोटो आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हैं, उनका नाम है सावनेरू और पिरिना है। देखो दोस्तों, बोला था ना मैंने, ये बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग फैक्ट है। तो दोस्तों, अब आपको क्या लगता है ये वीडियो के बारे में, मुझे कमेंट्स में बताना आप लोग। तो दोस्तों, आज का ये टॉपिक इधर ही समाप्त करते हैं, आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है आपको मेरा आज का वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, प्लीज सब्सक्राइब तो जरूर करना ही। दोस्तों अब मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। दोस्तों फिर से बोल रहा हूँ, प्लीज सब्सक्राइब कर दो यार। तो बाय बाय, सायोनारा, अरिगातो गुज़ाइमासु।